हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि। आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन टू डिमांड चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप से बात करेंगे कि डीपीसी कैसे डालें, क्या सही तरीका है डीपीसी डालने का। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे इसी तरह की बात करेंगे डीपीसी के बारे में। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कभी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अपनी दीवारें हैं उस पे कैसे डीपीसी डालें, क्या साइज़ में डीपीसी डालें। तो दोस्तों, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 4 इंची वॉल है। तो दोस्तों, उस पे आप डीपीसी का सही तरीका डालने का हम बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि 4 इंची वॉल है, उस पे आप हाफ रिंग बनाएं। सी आता है इंग्लिश का, सी सी आकार में आप रिंग बनाएं, करीबन 2.5 इंच का, 3 इंच का रिंग बनाया, 2.5 से 3 इंच का। सी रिंग बोलते हैं, हाफ रिंग बोलते हैं दोस्तों। उसमें आप दो रॉड 10 mm की डालें। तो दोस्तों, लंबी रॉड 10 mm की डालें और सी रिंग बनाएं, और उसको दोस्तों तार से बांध के आपकी दीवारों पे आप पहले वो रखें, उसके बाद आप डीपीसी डालें। तो दोस्तों, ये दीवार पे, सिर्फ दीवाली दीवार पे दो सरिये चलाएं, दो सरिये डालें और सी रिंग बांध के आप उस पर डीपीसी आप कॉन्क्रीटिंग से उसको भर लें। तो दोस्तों, ये था दीवालों पे डीपीसी डालने का तरीका। तो दोस्तों, अब आपसे बात करेंगे कि जो दरवाज़ा आता तो है दोस्तों, उसके दरवाजे के ऊपर, गेट ऊपर के जब भी ऊपर जहाँ डीपीसी लकड़ी की डाले तो दीवार दोस्तों आप लकड़ी उसका की चौरस चौखट रिंग आती है, उस बनाएं, पे हम ढाई से कैसे तीन डालें इंची डीपीसी। आम चौरस में लंबाई ऊंचाई 2.5 से 3 इंची ले आएँ। 4 इंची आप कॉन्क्रीटिंग भरेंगे तो 2.5 इंची या 3 इंची का आप रिंग बनाएं। तो दोस्तों, उसमें आप चलाएंगे 10 mm के 4 सरिये। तो दोस्तों, मैं आपसे 4 सरिये का इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि 4 सरिये चलाएंगे तो आपके ऊपर दे आपके दे मकान में जब भी आप देखोगे, बहुत सी जगह आपने देखा क्रेकें जाती गेट के ऊपर। तो दोस्तों, ये 4 सरिये जो आप रिंग बना के 4 सरिया आपका बिम डालोगे, छोटा मिनी बिम बोले इसको, तो उससे आपकी क्रेक नहीं आएंगी और बहुत बढ़िया तरीके से आपका दरवाजे के ऊपर लाइफ टाइम बाल क्रेक कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप 4 छोटा सा रिंग बनाए, 3 इंची ऊंचाई का, 3 इंची लंबाई का। तो दोस्तों, जहाँ जहाँ विंडो आए उसके ऊपर आप इसी तरह का बिम बनाएं, चौरस बिम, छोटा सा मिनी बिम बनाएं आप उसको, बहुत अच्छी तरीके से आप उसको डाल दें। तो दोस्तों, इसमें क्रेक आपकी कभी नहीं आएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल है, खुद का प्रैक्टिकल हो दोस्तों। बहुत जगह मैंने देखा है कि दोस्तों गेट के ऊपर सिर्फ 2 सरिये डाल देते हैं, कोई रिंग नहीं बनाते। तो दोस्तों, भविष्य में ऊपर गेट के ऊपर हमेशा क्रेकें देखने को मिलते। तो तो दोस्तों, यही अब हम कारण है आपसे दोस्तों कि बात आप करेंगे ओपन जल्दबाजी डीपीसी। में ओपन डीपीसी का हम आप बात गलत इसलिए कर काम रहे हैं कर जाते हो, दोस्तों ये कि काम ना ओपन करें। आप डीपीसी इसी का का महत्व महत्व आजकल आजकल बहुत बहुत हो हो गया गया है। है। आप आप ओपन ओपन डीपीसी, डीपीसी आपकी आपकी एल्युमिनियम एल्युमिनियम सेक्शन सेक्शन विंडो विंडो आती आती है, है, उस उस जगह जगह में में ओपन ओपन डीपीसी डीपीसी डालते डालते हैं हैं अधिकतर, अधिकतर, उसका उसका गाला गाला छुड़वा छुड़वा लेते लेते हैं। हैं। उसमें उसमें आप आप बाद बाद में में दोस्तों दोस्तों खिड़की खिड़की लोहे लोहे की की जाली जाली फिट फिट करवा करवा के के उसमें उसमें आप आप एल्युमिनियम एल्युमिनियम सेक्शन सेक्शन फिट फिट करवाते करवाते हैं। हैं। तो तो अधिकतर अधिकतर मैंने मैंने देखा देखा है है कि कि खिड़की खिड़की आजकल आजकल विंडो विंडो एल्युमिनियम एल्युमिनियम सेक्शन सेक्शन की की बन बन रही रही, है, तो तो ओपन ओपन डीपीसी डीपीसी उस उस पे पे आप आप अच्छी अच्छी तरीके तरीके से से 2.5 इंची2.5 इंची का, का, 2.5 से 3 इंची का रिंग बनाए चौरस। उसमें 4 सरिये 10 mm के डालें, छोटा बीम बनाए उसको 10 mm के डालें और उसको आप अच्छी तरीके से बिल्कुल डाल दें। तो दोस्तों, उससे क्या रहेगा, आपका ओपन कभी भी उस पर भी वाल क्रैक, विंडो के ऊपर कभी वाल क्रैक नहीं आएगी। अगर आप सी रिंग बनाते हैं तो दोस्तों ज़रूर वाल क्रैक आएगी, क्योंकि लोड जुड़ाई का आता है ऊपर थोड़ा सा डीपीसी का। तो दोस्तों, ये थी मेरे 3 टिप आपको डीपीसी डालने के सही तरीके बताने की। कभी आप मेरा अच्छा वीडियो लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।